हेलो एवरीवन, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा कि 8 जुलाई को पीएम मोदी रशिया जाने वाले हैं, अगर ऐसा होता है तो और चांसेस काफी हाई है कि पीएम मोदी रशिया जा रहे हैं, तो कम से कम इस विजिट को लेके दो देश तो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल रहेंगे। सबसे पहला है चाइना, दूसरा है यूएस। और अगर आप वहीं पे बात करें भारत के पॉइंट ऑफ व्यू का, तो ये दौरा हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि रशिया के साथ जो हमारे संबंध है वो अच्छे हैं। और रशिया जब भी कोई स्टेटमेंट यूज करता है हमारे लिए, तो मोर और लेस वो पॉजिटिव स्टेटमेंट रहता है। और वहीं दूसरी तरफ भारत कोशिश करता है कि वो कोई भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना करे जिससे कि भारत और रशिया के बीच में जो संबंध है वो खराब हो सके। अगर बात किया जाए रशिया और भारत के बारे में, तो जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेड किया था, तो उस वक्त भी जो भारत में परसेप्शन था उस वॉर को लेके, वो ऑलमोस्ट एक कह सकते हैं बहुत हद तक न्यूट्रल था। इसका मतलब ये होता है कि मोर और लेस जितने भी जो भारतीय थे वो रशिया को सपोर्ट कर रहे थे। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो व्लादिमीर पुतिन हो गया या रशिया हो गया, उसका इमेज भारत में काफी अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करें रशिया में, तो वहां पे भी जो भारत देश है, यहां के जो लोग हैं, उनका ओवरऑल जो रिस्पेक्ट है वो अच्छा है। तो कहने का मतलब है कि रशिया एक वैसा देश है जिसके ऊपर ये कहना गलत होगा कि हमें अंधा बन के उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि रशिया हमारा एक ट्रस्टेड अलाय है। यहाँ पे एक बात याद दिला दूं कि भारत का जो डिफेंस है वो ऑलमोस्ट 80-85% डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर। इस चीज को अगर आप बहुत ही न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी देश के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन कुछ पॉजिटिव चेंजेस हमें देखने को मिले साल 2014 से, जहां पे भारत ये कोशिश कर रहा कि एक तरफ वो उन सब देशों के साथ अपनी नजदीकी को बढ़ाए जिनके रिलेशन रशिया के साथ अच्छे नहीं है, और उसके साथ ये भी कोशिश किया गया है कि रशिया के साथ जो हमारे इतने सालों का जो अच्छे रिलेशन है उसको भी मेंटेन किया जाए। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि भारत रशिया से भी वेपन्स खरीद रहा, साथ में यूएसए के साथ भी बहुत सारे हमारे डिफेंस डील हो रखे हैं, फ्रांस से हमने रफेल लिया। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा डिफेंस का जो डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर उसे कम किया जा रहा। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस या बदलाव देखने को मिला है वो है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत, जहां पे भारत ये कोशिश कर रहा कि जितना ज्यादा हम खुद के देश में चीजों को मैन्युफैक्चर करें उतना ही ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, और उतना ही ज्यादा भारत, और जितना ज्यादा भारत दूसरे के ऊपर कम डिपेंडेंट रहेगा उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। सो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा इमोशनल होकर सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में क्या होता है कि हर देश के अपने इंटरेस्ट होते हैं। रशिया के अपने इंटरेस्ट है, भारत के अपने इंटरेस्ट है, यूएस के अपने इंटरेस्ट है। वहीं पे इसी महीने पीएम मोदी G7 समिट में पार्टिसिपेट करते हैं, जहां पे वो ज़ेलेंस्की से भी मिलते हैं और दुनिया के अलग अलग और भी लीडर से मिलते हैं। अगर स्पेसिफिकली बात किया जाए ज़ेलेंस्की या यूक्रेन के बारे में, तो यूक्रेन बहुत बार ये इच्छा जता चुका है कि भारत की तरफ से नेगोशिएशन किया जाए और किसी भी तरीके से भारत रशिया को ये मनाए कि रशिया यूक्रेन पे अटैक ना करे। वहीं पे अगर बात किया जाए तो एक हद को तो व्लादिमीर पुतिन ये मान लेंगे कि वो यूक्रेन के ऊपर अटैक ना करे, लेकिन यूएसए का जो इंटरेस्ट है वो कुछ इस तरीके से है कि वो चाहता है कि यूक्रेन और रशिया वॉर में रहे, जिसके कारण क्या हुआ कि अगर कोई भी देश काफी दिनों तक वॉर में रहता है तो उसके जो फौज होते हैं उनका मोराल गिरना शुरू हो जाता है, और जितना ज्यादा आप वॉर में रहते हैं कहीं ना कहीं आपके देश का जो इकोनॉमी है या पैसे हैं वो उस वॉर में लगते हैं, यानी कि वेस्ट होते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि वो देश ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ठीक उसका विपरीत देखने को मिल रहा, जहाँ पे रशियन इकोनॉमी पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वहीं पे अगर बात किया जाए यूक्रेन के बारे में, तो यूक्रेन कम से कम 50 साल पीछे आ चुका है, और इसके पीछे का जो एक आदमी सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबल है या सोल रिस्पॉन्सिबल है वो है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। और साथ में अगर भारत किसी भी तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने में सक्षम हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये बीते 20 सालों में भारत का सबसे बड़ा जियो पॉलिटिकल अचीवमेंट होने वाला है। ये चीज हालांकि बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम इस चीज से इनकार नहीं कर सकते हैं कि ये चीज अभी भी पॉसिबल है, क्योंकि यूक्रेन अब उस पोजीशन में नहीं है जहां पे वो चाहेगा कि और अधिक वो वॉर में बने रहे। वहीं अगर बात किया जाए रशिया के बारे में भी, तो रशिया आज के डेट में उस पोजीशन में है जहां पे वो कम से कम यूक्रेन का 20-25% एरिया को कैप्चर कर चुका है और वो एक कंप्लीट तरीके से कमांडिंग पोजीशन में है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि पेच फंसा हुआ है वो ये है कि यूक्रेन डिमांड कर रहा कि जो रशिया जमीन ले लिया है उसको वो वापस करे, तभी पीस डील होगा। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग है और काफी चैलेंजिंग है
है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत किस तरीके से इस रशिया यूक्रेन वॉर में नेगोशिएट करता है। वहीं पे अगर हम बात करें कि आखिर में यूएस क्यों अनकंफर्टेबल फील करेगा अगर पीएम मोदी रशिया जाते हैं और खास करके तब जाते हैं जब रशिया यूक्रेन अभी भी वॉर में है, तो इसके पीछे का बहुत सारा वजह है। एक तो है कि यूएसए किसी भी तरीके से ये नहीं चाहेगा कि भारत और रशिया के जो संबंध है वो और मजबूत हों, और साथ में यूएस ये भी चाहेगा कि किसी भी तरीके से भारत यूएसए के करीब जाए। उसके कारण क्या हुआ कि एशिया पैसिफिक में यूएसए को एक देश मिलेगा भारत के रूप में जो कि चाइना का पड़ोसी रहेगा और चाइना के इतना ही केपेबल रहेगा क्योंकि भारत एक न्यूक्लियर स्टेट है। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं यूएस के दिमाग में ये है कि अगर वो भारत को किसी भी तरीके से अपने पक्ष में रखता है तो उसे एक देश मिल जाएगा जो कि डायरेक्टली काउंटर कर सकता है चाइना को। तो यहां से भी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हर देश का एक अपना इंटरेस्ट है और इन सब के बीच हमें इन सब इंटरेस्ट को समझना है और वही काम करना है जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहे। और साथ में अगर हम बात करें चाइना का, तो ये चाइना है, ये इंडिया है, ये रशिया है। भारत और इंडिया के जो संबंध है वो अच्छे हैं, रशिया और चाइना के जो संबंध है वो अच्छे हैं, और किसी भी देश के पास अगर न्यूक्लियर वेपन रहता है तो उस देश को आप कभी भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। वहीं पे अगर बात किया जाए चाइना के बारे में तो यहाँ पे कहने की जरूरत नहीं है कि बीते कुछ सालों में, खास करके साल 2013 से भारत और चाइना के बीच में संबंध काफी खराब हुए हैं। उसके पीछे का वजह है बॉर्डर डिस्प्यूट। तो यहाँ से भी चाइना कभी नहीं चाहेगा कि भारत रशिया के क्लोज जाए और रशिया के साथ उसके संबंध और मजबूत हो, और खास करके डिफेंस पैक। लेकिन हम इस चीज से भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जब व्लादिमीर पुतिन पांचवीं बार रशिया के प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनका जो सबसे पहला फॉरेन विजिट होता है वो चाइना ही होता है, और जिस तरीके से चाइना वेलकम करता है व्लादिमीर पुतिन का, ये चीज भी काफी नोटेबल है। तो ये बताता है कि चाइना व्लादिमीर पुतिन को अपने देश में होस्ट करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जैसे कि हमारे पीएम मोदी जाने वाले हैं रशिया, और अगर किसी भी तरीके से व्लादिमीर पुतिन 2 या 3 दिनों के ऑफिशियल विजिट पे भारत आते हैं तो इस चीज का भी एक जो अपना इम्पोर्टेंस होगा, शायद आप उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। इससे कम से कम पूरे दुनिया में एक जो मैसेज जाएगा वो ये जाएगा कि भारत और रशिया के बीच में जो संबंध है वो पहले से और मजबूत हुए हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनली रशिया और चाइना के बीच में भी जो संबंध है वो इतने अच्छे नहीं है। समय दर समय चाइना बहुत सारे जो रशियन प्रोविंस है उसको अपने अंडर में दिखाया है। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जब से चाइना को शी जिन संभाले हैं तब से दोनों देश ये काफी बढ़ चढ़कर कोशिश किए हैं कि जो इनके पुराने विवाद रहे उसको खत्म किया जाए और एटलीस्ट एक ग्रुप क्रिएट किया जाए जो कंप्लीट तरीके से एंटी वेस्ट या एंटी यूएस है। कहने का मतलब है कि नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया, इन सबको मिला के एक ग्रुप क्रिएट किया जाए। और शायद यही वजह है कि क्यों चाइना आज के डेट में बढ़ चढ़कर ईरान से तेल खरीदता है, जो कि यहाँ पे कहने की जरूरत नहीं है कि ईरान एक सैंक्शन देश है। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा, जहां पे यूएसए चाइना के कुछ कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगाते हैं, तो बदले में चाइना भी सैंक्शन लगाने से नहीं चूकता है अमेरिकन कंपनीज के ऊपर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस तरीके से यूएस कंसर्न रेस करता है जब कोई भी देश रशिया से मिलता है तब, लेकिन वहीं पे यूएस ये नहीं बताता है कि आज भी यूएसए चोरी छुपे रशिया के साथ बिजनेस करता है, या आसान शब्दों में समझे तो ऑलमोस्ट वो सारे देश रशिया के साथ आज भी बिजनेस कर रहे हैं जो पब्लिकली ये कह रखे हैं कि उन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं। इसके पीछे का वजह है कि रशिया के पास हैवी इंडस्ट्रीज खूब सारे हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसका की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग सिर्फ रशिया में होता है, और वो सारे चीज का जो अल्टरनेटिव है या तो वो अवेलेबल नहीं है, या तो अगर वो अवेलेबल है भी तो जो क्वालिटी रशिया प्रोड्यूस करता है वो क्वालिटी वो सारे कंपनीज प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ऑलमोस्ट 50% से अधिक जो यूएस में न्यूक्लियर रिएक्टर्स चलते हैं तो उसका जो फ्यूल है यानी कि यूरेनियम, प्रोसेस्ड यूरेनियम, हालांकि यहाँ पे आपको मल्टीपल आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहां पे आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि यूएस कोशिश कर रहा कि रशिया से वो प्रोसेस्ड यूरेनियम ना खरीदे, लेकिन वहीं पे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे भी मिलेंगे कि यूएस आज भी रशिया से प्रोसेस्ड यूरेनियम खरीद रहा। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।